भाभी जी लगा रही हैं इसमें मसाला, और इधर विक्रम सर लगे हुए हैं सेकने में। ये देखिए, और एक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक पे मैं सेक रहा हूँ। ये देखिए, एक पे मैं भी सिकाई कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये मेरे पीछे इधर विक्रम सर एक पे लगे हुए हैं, हमने दो स्टोव जला रखे हैं। और इधर मैम जो है मसाला भरते हुए। कपड़ा है यहाँ पे? ये जी बढ़िया सैंडविच हमारे बनके तैयार, खूब सारे। ये है जी उपमा, और साथ में सैंडविचेस। सर तो हमारे यही खा रहे शुरू हो गए। हाँ जी, स्वाद बने? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। भूख लग रही होगी ना आपको? तो जी हम पहुँचे हैं बरनई गांव। बरनई गांव जो है बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ देख सकते हैं पुराने तरीके के घर हैं। और ये ऊपर जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देखिए पुराने घर बिल्कुल जो थे, ये पहाड़ी के ऊपर हैं, पुराना बरनई गांव है ये। और वहाँ से अभी तो नीचे शिफ्ट हो गए हैं थोड़ा सा नदी के पास। और ये यहाँ पर बढ़िया ग्राउंड है जिस पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ की जो यूएसपी है वो है ये बिल्कुल साथ में बहती हुई नदी, और ये खूबसूरत सा पुराना पुल, और ये साथ में बहती हुई नदी। और ये हमारी पारुल और रुद्रा नीचे जाते हुए नदी के पास। ये आपको हम नदी किनारे ले चलते हैं। तो ऐसी हसीन वादियों में कैंपिंग करने का मजा ही अलग है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है।
तो जी पारुल खड़ी है हमारे जो बरनई गांव के लोकल बच्चे हैं उनके साथ। क्या नाम है बच्चे आपका? शमीला। जमीला। और आपका? सुमा। क्या बात है, आप लोग क्या भाषा कौन सा बोलते हो यहाँ पे? सीना बोलते हो? आप भी बाल्टी हो? अच्छा। तो ये हाईवे के ऊपर इंडियन आर्मी का एक छोटा सा कैफे बना हुआ है, यहाँ पे तुलेल के पास ही हैं हम। ओह, ये अभी हट तैयार हो रही है यहाँ पे, जब मेरे ख्याल से तैयार हो जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगी ये। और अभी ये साथ में एक छोटा सा किशन गंगा कैफे करके है जहाँ अभी हम चाय पियेंगे। बहुत प्यारा कैफे बन रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा था। तो जी यहाँ पे जो है अभी शुरू किया है गरम गरम मोमोज, और रुद्रा लेके आया है फिजी। तो यहाँ पे आप कभी अगर आते हैं तो आपको ये बढ़िया गरम मोमोज खाने को मिल सकते हैं। तो कर लेंगे अब अगले में कर सकते हैं। अगले में तो हम होंगे नहीं, आप ही होंगे। ये देखिए जी, बहुत प्यारे खूबसूरत लॉग कैबिन हाउसेस जो हैं इस गांव में भी हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। जी बहुत ही खूबसूरत गांव आया है एक, और यहाँ हम रुके हैं। करो, कैसा लग रहा है भाई तुम्हें? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये देखिए हमारे पीछे बिल्कुल नदी साथ साथ बह रही है रोड के, और आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरे पीछे छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, और ये देखिए पीछे क्या खूबसूरत पहाड़ है, और बीच में से इसके गाड़ी जाती हुई रोड जाती हुई। तो गांव में ऐसे ही काम होते हैं, गांव की लेडीज़ जो हैं यहाँ पे अपना बढ़िया कपड़े उपड़े धो रहे हैं, और ब्रिज के ऊपर फोटोग्राफी चल रही है हमारे विक्रम और भाभी जी की, बढ़िया उनकी वहाँ पे शूटिंग चल रही है, फोटोग्राफी चल रही है, विक्रम सर पोज देते हुए। तो ये है गुजरा गांव, गुजरन, और ये यहाँ का जो है PHC है यहाँ का, जो हेल्थ सेंटर होता है। मैडम क्या शुरू होता है? आप मैडम कहाँ से हो? मैं तो आगरा। आगरा, आगरा, आगरा बहुत दूर है। मुझे बना दवाशी सुन के बात क्या हो सुन सुन क्या हो सुन सोर इतना का सारा।
हाँ भाई परुण शर्मा, कहाँ पहुँच गए हो? हम पहुँच गए चकवाली। चकवाली, वाह, यहाँ तो ब्रिज के नीचे से मुझे कुछ दिख रहा है यार। लोगों ने 4x4 गाड़ियाँ जो है नदी में डाली हुई है। तो जी हम आए हैं बिल्कुल जो लास्ट इंडियन आर्मी की पोस्ट है यहाँ पे। तो आपको जो मैं सामने अभी एरिया दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको ऊपर, ये वाला पहाड़, ये जो ट्रायंगल के बीच में जो पहाड़ है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और इस पहाड़ के जो है बेस में, यानी कि कहीं यहाँ पर कहीं जो है ऐसे करके नाला चलता है जो LAC है, सॉरी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके पहाड़ के ऊपर जो पाकिस्तान की पोस्ट है उसको हम टेलीस्कोप के थ्रू जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए जी, ये है पाकिस्तान की POK की पोस्ट, पाकिस्तान आर्मी की। और हम जहाँ पे हैं वो है इंडियन आर्मी की पोस्ट। मैं आपको इंडियन आर्मी की पोस्ट दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन जो आसपास का इलाका है देखिए कितना खूबसूरत है। आप ये देखिए यहाँ पे जो है अभी एक इंडियन आर्मी का यहाँ पे एक कैफ़े बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए अंदर, ये आप देख सकते हैं कैफ़े बलवान जो है ये यहाँ पे अभी बन रहा है, इनॉग्रेट हुआ नहीं है, एक आध दिन में इनॉग्रेट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे आके आराम से अपना कैफ़े में लंच वगैरह करके वापस जा सकते हैं। तो ये है चकवाली। एक बार फिर से आपको मैं POK दिखा रहा हूँ। और ये देखिए हम दोनों भी यहाँ चकवाली में, बहुत ही खूबसूरत जगह, लास्ट पोस्ट हमारी इंडिया की, इसके साइड में POK इतना नज़दीक है। तो जब यहाँ पे फायरिंग वायरिंग हुआ करती थी तो यहाँ भी जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है यहाँ पे भी बॉम्ब शेलिंग वगैरह करते थे। अभी तो नहीं होती है, अभी तो सीज़ फायर एग्रीमेंट है। एक खूबसूरत जगह। तो दर्शकों मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो ये जो अभी आप नाला मेरे सामने देख रहे हैं इसको कहते हैं किनारी नाला। ये ऊपर जो इस तरफ ऊपर जो खाउबल गली है जो पास है, जो कि उस तरफ पास क्रॉस करते ही द्रास आ जाएगा, ये वहाँ से आ रहा है। और आपको मैंने जो एक नाला अभी दिखाया था जो POK की तरफ से आ रहा था, दैट इज़ गौतम शंग नाला। तो ये दोनों नाले जब आपस में मिलते हैं तो बनती है किशन गंगा। इसकी छाल जो होती है उस पर भोजपत्र बनाया जाता है, लिखा जाता है उसके ऊपर, हम लिखाई करते हैं। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ऐसे भी ऐसे पेपर टाइप है। हाँ, तो इसी के ऊपर जो है लिखते थे काम। कितना पेपर ही लग रहा है, आराम से लिख सकते। यही भोजपत्र है, पेपर है, लगी नहीं जा मतलब पेपर लग रहा है जी। जो मैं आपको बता रहा था ना, तो
मैं आपको जो बता रहा था, ये कलेरी नाला है जो काउबल गली से आया और मेरे दाहिनी तरफ जीएस नाला, गौतम शंग नाला जो पीओके से आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों नाले का संगम हो रहा है और यहाँ से आगे किशनगंगा नदी बन के आगे जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम गुरेज आए थे, आपको बताया, मैं दिखा रहा था वीडियो में। गुरेज से हम आए हैं यहाँ पे, टावर आए, टावर के बाद हम आए हैं तुलेल, तुलेल के बाद हम चकवाली पहुँचे हैं। चकवाली में देखिए, मैं बड़ी अच्छी यूनिक लोकेशन पर खड़ा हूँ इस टाइम। शोर पानी का बहुत है यहाँ पे, आपको पता नहीं आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड है, हम एक्जैक्टली इस टाइम इस जगह खड़े हैं यहाँ पे। ये दो नाले आ रहे हैं, एक है जीएस नाला, एक है श्री नाला। ये दोनों नाले आ रहे हैं पाकिस्तान से, और जो राइट साइड पे है करनी नाला और कोबाल नाला, ये आ रहा है इंडिया से, और यहाँ से ये किशनगंगा नदी बन जाती है ये। तो हम इस लोकेशन पर खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए दो नाले हैं, एक लेफ्ट जो पाकिस्तान से आ रहा है, राइट इंडिया से आ रहा है, और दोनों ने मिलकर किशनगंगा बनाई है। किशनगंगा यहीं से ओरिजिनेट होती है और ये सीधा यहाँ से वापस पाकिस्तान जाती है आगे तो, और पूरा ये एक किलोमीटर इसकी झेलम में भी जाके मिल जाती है। तो बड़ी अच्छी यूनिक लोकेशन है, इसके आगे मोटरेबल रोड नहीं है, अभी हम यहीं तक जा सकते हैं। इसके बाद आगे द्रास आता है, द्रास से कनेक्टिविटी हो रही है इसकी, आई थिंक एक दो साल के अंदर द्रास तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। सिर्फ 60 किलोमीटर बचता है द्रास यहाँ से, तो बड़ी अच्छी यूनिक लोकेशन है। यहाँ पे लंच करते हैं यहाँ पे और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बढ़िया लंच। हाँ जी बताओ। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। ये जी हमारा खाना भी है, पूड़ी है, चिकन है, चावल है, दाल है, और रुद्रा खा रहा है पनीर। तो जी क्या डायलॉग है बड़ा फेमस है वो, हसीन वादियों वाला। इतनी हसीन वादियाँ हो, साथ में नदी हो और ऐसा खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए जिंदगी और क्या चाहिए जिंदगी में, क्या बात है। तो ये देखिए जी, इस छोटे से गांव मारन गांव बताया है नाम गांव का, मारन गांव। तो लोगों ने सोलर भी लगा रखे पैनल्स और साथ में डिश टीवीज भी लगे हुए हैं। खूबसूरत हेरिटेज ये है संस्कृति। वो पूरे एडवांस विंटर स्टॉकिंग हो जाती है पहले से ही, विंटर के 6 महीने की स्टॉकिंग। ये जो लकड़ी लगा रहे हो आप लोग, हाँ सर, ये बह के आती है, वही लकड़ी इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, ये फॉरेस्ट वालों से लेना पड़ता है, फॉरेस्ट क्योंकि ये तो ऊपर की है ना, छिलका अगर छिलके वाली लकड़ी है, ऊपर की ये ऊपर की है ना छिलका जिसका होता है, क्लीन करते रहते हैं। विंटर्स में रोड क्लीन होती है फुल। हाँ रोड क्लीन होती है, राजधान पास क्रॉस नहीं कर सकते ना आप। इन लोगों के लिए ये लोग डावर जा सकते हैं, डावर तक की रोड खुल जाती है, बट वो है कि राजधान पास तो बंद हो जाता है ना, वहाँ का कनेक्शन टूट जाता है। तो आइए आपको दिखाएं अंदर से। चलो अंदर, बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ जाओ जाओ। अरे मुर्गी ही तो है अंदर से, बारो चिकन निकला आपके लिए। ये देखिए बढ़िया सा अंदर से इस तरीके का मकान है, ये पारो आपको दिखाएंगे अंदर ले जाके। अभी वाओ कितना सुंदर किचन है। तो हर एक जगह का सर्वाइव करने का एक अलग तरीका है, एक अलग सिस्टम है। तो यहाँ देखिए जितनी ज्यादा सर्दी होती है उतना ही उसी तरीके से ये लोग अपना
जीवन यापन करते हैं और उसी में देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो। ये देखिए आपको दिखाते हैं एक बड़ी अजीब चीज हमें मिली है, एक गुफा यानी कि केव, और हमने गाड़ी अपनी थोड़ी सी उसमें डाली है और विक्रम सर भी उठ के केव का मुआयना करते हुए। सर बताएं इसके बारे में, टेम्पो ट्रेलर अंदर डाल दो तो बढ़िया, अंदर हाँ इसमें तो मेरी गाड़ी भी आ जाएगी, अंदर आपकी गाड़ी भी आ जाएगी। हाँ ये बड़ी प्यारी जगह है, देखिए अंदर पूरी बढ़िया सी केव है और अंदर बड़ी ठंडक है, एक एक हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है। सोलर चार्ज भी हो रहा है। हाँ ये देखिए जी केव पूरी, बहुत प्यारी गुफा। घूम के वापस पहुंच गए हैं अपने घर घर ही हमारा, तो अभी तैयारी हो रही है चाय की। आइए आपको मैं दिखाता हूँ चाय बनती हुई। तो आज चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो बढ़िया अदरक और इलायची वाली चाय मैं बना रहा हूँ। रंग बहुत प्यारा आया चाय का, अभी तो देखते हैं स्वाद कैसा बनता है। ये तो जो हमारे पीने वाले हैं मित्रगण वही बताएंगे हमें।